हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन जो है 1s कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके कैसे करते हैं वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है। अब आप देखिए कि सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है किसी भी बाइनरी नंबर का, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी नंबर यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके हम दो बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब उसमें दो केस आते हैं। देखिए, पहला केस क्या है, केस वन, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, लैंग्वेज में लिखने पर आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। हमने कहा, मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर ए दिया है बाइनरी में और बी दिया है, ठीक। अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम माइनस कर रहे हैं, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो केस वन होगा, यानी लार्ज नंबर में से लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और केस टू क्या है, केस टू में इसका उल्टा है, बी टू माइनस ए टू, या दूसरे ढंग से समझ लीजिए, यहाँ पे ए क्या है, छोटा है बी से, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमने कहा ए बड़ा है तो बड़े में से हम छोटा घटा रहे हैं, और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं। नहीं, तो इसको चेंज कीजिए, यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे बी छोटा है और ए बड़ा है, यहाँ पे भी यही केस है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, यानी हम स्मॉल नंबर में से लार्ज नंबर घटा रहा है, ये दो केस होते हैं, ठीक। अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं पहले केस से। तो मान लीजिए, हमने केस वन के हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए, हमने आपको दिया कि आपको 7 में से आपको 22-7 करना है, या बाइनरी नंबर आप ले लीजिए। सपोज कीजिए, आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है 111001, 111001, इसमें से क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है 1010, 101011, ये माइनस करना है यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप पहले ये नंबर लिखिए, 111001 हो गया। जो नंबर माइनस करना है उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका आपको 2s कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकलने के लिए पहले आप इसका 2s आपको निकालना पड़ेगा। तो 2s निकालने के लिए पहले आप इसका 1s लिखिए, तो 1s क्या आ जाएगा, 010। कैसे निकालते हैं ये सब प्रीवियस वीडियो में पड़ी हुई है, आप उसको कंसल्ट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया इसका क्या, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सॉरी, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड किया हमने, तो 010101, 010101, ठीक। ये क्या आ गया, ये आ गया 2s कॉम्प्लीमेंट। अब इस 2s कॉम्प्लीमेंट को इस नंबर की जगह पे यहां लिखिए 010101 और ऐड कर दीजिए। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 110 कैरी यहां पे आ गया 1, फिर 0+1 1, 1+0 1, 1 और 1 डिले जोड़ेंगे तो 0 कैरी 1, फिर 110 जोड़ेंगे, ये आ गया कैरी, दिस इज कैरी। अब इस कैरी को हम क्या करेंगे कि अगर जब भी कैरी आता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं। देखिए, 2s कॉम्प्लीमेंट में तो हम ऐड करते थे ना, यहाँ पे कैरी को हम इग्नोर कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा, इग्नोर इग्नोर कैरी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं, तो हमने आपको बताया है कि आप तुरंत का तुरंत उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, भाई 111001, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो पहले पोजिशनल वैल्यू लिखिए, तो क्या होगी, 1, 2, 4, 8, 16,
तो कितना हो गया 32 और 16, 32 और 10 42 और 6 48 और 8 56 और 1 57, तो ये तो आया 57। दूसरा नंबर उठाइए ये वाला 101011, ये कितना हुआ, फिर से पोजिशनल वैल्यू लिखे हम, मान लीजिए 1 2 4 8 16 32, तो 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, ये आएगा 43। तो अब 57 में से आप 43 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 1 आएगा, ये 14 आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। और ये जो हमारा बाइनरी में आया है इसको भी आप जरा डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 001110, पोजिशनल वैल्यू लिखिए 1 2 4 8 16 32, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 4 + 2, 8 4 12 और 2 14, ये भी 14 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2s कॉम्प्लीमेंट में अगर किसी नंबर को माइनस करना है तो पहले हम देखेंगे कि ये लार्ज है, अगर हम लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का पहले 2s कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे, और अगर कैरी आता है तो कैरी को हमें कुछ नहीं करना है, इग्नोर कर देना है। तो ये तो एक तरह का हो गया एग्जाम्पल 2s कॉम्प्लीमेंट का। अब मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अब सपोज कीजिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 111111 में से आपको 1010 माइनस करना है, यानी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1111, इसमें से हमको माइनस करना है 1010, और ऑब्वियस सी बात है यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, 1111 ये नंबर लिख लिया हमने, इस नंबर का 2s निकालिए, तो पहले हम इसका 1s निकालेंगे, कैसे, पहले इसको इंटरचेंज कीजिए 0101, ये 1s आ गया, फिर 1 ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 110110, ये क्या हो गया 2s हो गया, इस 2s को आप 0110 यहाँ ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 1110 कैरी 1, फिर 111 कैरी 1, फिर 110 कैरी 1, यहाँ पे फिर देखिए कैरी आया, ये कैरी आया, और कैरी क्या करते हैं इस केस में, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक 0101 इज द फाइनल आंसर। ठीक, इसको भी अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, हमने लिखा 1111, यहाँ पोजिशन में लिखिए 1 2 4 8, तो ये कितना हो गया 8 4 12 2 14 और 1 15, ठीक। दूसरा नंबर कितना है 1010, ये हो गया 8 और 2 10, अब इसमें से घटाएंगे आप कितना आएगा 5, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है 101, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 101, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 2s कॉम्प्लीमेंट के केस में कि अगर कैरी आ रहा है तो आप चुपचाप उस कैरी को इग्नोर कर दीजिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, केस टू। केस टू का मतलब क्या हुआ, स्मॉल नंबर में से लार्ज नंबर माइनस करना है, और कैसे माइनस करना है, यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए हमको 7 में से 22 माइनस करना है, ये करना है, ठीक। तो पहले चलिए 7 लिखिए, 7 का और 22 लिखिए बाइनरी में, तो 7 कितना हो गया बाइनरी में 00111, और 22 कितना हो गया 10110, ये हमको माइनस कर रहा है, तो इसको माइनस करने के लिए क्या होगा कि इसका हम 2s कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो पहले आप इसका 1s निकालिए, तो 10110 का 1s कितना हो जाएगा 01001, और फिर 1 ऐड कर देंगे 01
देखिए 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो रिफर कर लीजिए, उसको देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर 1s 2s नहीं आता तो फिर आप ये इस वीडियो का कंटेंट आपको नहीं समझ में आएगा। तो 110 कैरी 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया इसका 2s कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम यहाँ पे इसकी जगह पे रख के ऐड कर देंगे, तो 0 0 1 1 1 और ऐड करेंगे 0 1 0 1 0, इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 और यहाँ आ जाएगा 1। अब क्या है इस केस में, यहाँ पे नो कैरी, नो कैरी। तो देखिए जब नो कैरी की सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, तो आपका ये डायरेक्टली यही आंसर आ गया, ये सही है कि नहीं, ये आपको अगर आप चेक करेंगे तो ये अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 1 1 और 7 में से अगर आप 22 घटाएंगे सीधा सीधा, इफ यू डू 7 - 22 तो आपके पास कितना आना चाहिए, माइनस का 15, ठीक। 15 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 1 1, हम सब लोग जानते हैं। मान लीजिए 5 डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये, और यहाँ पे क्या आ रहा है ये, इसका मतलब ये है कि देखिए आंसर नहीं गलत है, आंसर इज इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मतलब आंसर ठीक है लेकिन आंसर 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कैसे, पहले इसका 1s निकालिए, 0 1 1 1 0, ये हो गया, फिर इसमें एक ऐड कर दीजिए, अब क्या आया 1 1 1 1 0, और फिर हम क्या करेंगे इसमें हम निगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, आया -0 1 1 1 1, ये आंसर सही है क्योंकि देखिए ये बाइनरी में क्या हुआ, -15 हुआ और -15 ही हमारा आंसर आना चाहिए था। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है केस टू के केस में कि अगर हम स्मॉल नंबर में से लार्ज नंबर माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा, और उस 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को जब हम उसका 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर, मतलब कि जो एब्सोल्यूट आंसर जिसको कहना चाहिए, जो ट्रू आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मान लीजिए कि आप एक आध अगर एग्जाम्पल और करना चाहें, से सपोज कीजिए हम लोग जो है डेसिमल पॉइंट वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट इज़ गिवन दैट 16.5 - 24.75, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इनको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो 16.5 क्या हो जाएगा बाइनरी में 1 0 0 0 0.10, ये आ गया आपका, और 24.75 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 0.11, इसको हमें माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए हमें पता है क्या करना होगा, इसका 2s चाहिए होगा हमको। इसका 2s निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका 1s निकालिए 0 0 1 1 1.00, और फिर एक ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0 0 1 1 1.01, ठीक। इसको आप यहाँ पे ऐड करिए, तो 1 0 0 0 0.10, और फिर ऐड करेंगे 0 0 1 1 1.01, अब इसको ऐड कीजिए तो 1 + 0 1 1 + 0 1.11101, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी नो कैरी, तो नो क्वेरी का मतलब क्या हो गया कि आंसर तो यह आ गया लेकिन आंसर इज इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हमको 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के और निगेटिव साइन करना होगा। तो इसका 2s कितना हुआ, पहले 1s लिखिए, 0 1 0 0 0.00, और फिर एक ऐड कीजिए, कितना आया 1 0.00010, और निगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक, अब इसको आप चाहे तो मैथमेटिकली चेक भी कर सकते हैं डेसिमल में करके, क्योंकि डेसिमल में हम लोग ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। मान लीजिए 16.50 में से 24.75 हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 5, 7 में से 5 गया 2 पॉइंट, यहाँ पे 14 में से 6 गया 8, हमारा माइनस का 8.25 आएगा। और इसको आप कन्वर्ट करेंगे, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे किसको, तो ये कितना आ जाएगा बाइनरी में, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया 8, और पॉइंट ये कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब कि जो हमने आंसर आया नो कैरी में, उसका जब हम 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बस आपको देखिए, अब हमारा 1s 2s दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना हमने आपको बता दिया अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में। 2s कॉम्प्लीमेंट में देखिए, जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें जब हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं ना, तो हमको रिडक्शन इन हार्डवेयर, हमें लेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जब लेस हार्डवेयर कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा कि उसकी कॉस्टिंग ऑब्वियसली हमारी कम हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है 2s कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके सब्ट्रैक्शन करने में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, फिर 1s कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, और 2s कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आई होप कि ये चारों लेक्चर्स में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई भी आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि अगर जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।